पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, दो आतंकियों को मार गिराया है सेना के जवानों ने। 21 फरवरी को उत्तरी कश्मीर बारामूला जिले के सोपोर के ग्राम वारपोरा क्षेत्र में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं और सुरक्षा बलों पर फायरिंग लगातार वो आतंकी कर रहे हैं। इससे पहले एक जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में करीब 60 आतंकी एक्टिव हैं, इसमें 35 पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो सोपोर में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकी ढेर हुए हैं, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही थी। आपको बता दें, देर रात से ही मुठभेड़ हो रही है, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और हमारे साथ नसीर अहमद, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नसीर, क्या जानकारी है, अभी कितने आतंकी वहां पर और छिपे हुए हैं? देखिए शिखा, जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया कल देर रात को, उस समय सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से सुरक्षा बलों के पास आई थी और उसके बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन लगभग जो तलाशी अभियान कम से कम 4 घंटे तक सोपोर के वारपोरा इलाके में चलाया गया और उसके बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली उस स्पॉट तक पहुंचने की जहां पे मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। और देर रात को जो गोलियों का तबादला हुआ, जो आज सुबह तक जारी रहा, उसमें अभी तक सुरक्षा बलों के मुताबिक 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और एक जो है सस्पेक्ट किया जा रहा है कि एक और इस इलाके में हो सकता है, जिसके लिए अब फिर तलाशी अभियान जारी है इस पूरे इलाके में। तो ऑपरेशन अभी भी जारी है, हालांकि जो गोलीबारी है वो कुछ समय से थम गई है। जी नसीर, अगर 2 आतंकी वहां पर मारे गए हैं, लेकिन अगर भारतीय फौज की बात करें तो किसी तरीके की कोई क्षति क्या पहुंची है या नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, तो पहले यही सुनिश्चित किया गया कि जो सुरक्षा बलों के अलावा जो सिविलियंस को कोई नुकसान न पहुंचे। और अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया उसमें सिर्फ मिलिटेंट्स जो है वो 2 मारे गए और बाकी किसी किस्म का कोई कोलेट्रल डैमेज इसमें नहीं हुआ। जी नसीर, इन आतंकियों के बारे में क्या बताया जा रहा है? जैसे पिछली बार जब मुठभेड़ चली थी तो वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे थे, ये कौन है? देखिए, जो इनपुट है सुरक्षा बलों के पास उसके मुताबिक लश्कर के 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं और उसमें भी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, कम से कम 1 से 2 इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट है, यानी 2 फॉरेन मिलिटेंट्स और 1 जो है वो लोकल, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट ही सुरक्षा बलों के पास था, लेकिन एक बात ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन थी उससे हिसाब जाहिर है कि लश्कर के ही जो मिलिटेंट है वो इस इलाके में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर तमाम जानकारी देने के लिए। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ नसीर अहमद जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया है। देर रात से ही मुठभेड़ हो रही है सोपोर में, लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में।